कि झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जगन्नाथ मंदिर पर जगन्नाथ भगवान का पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच चुके हैं। आपको सीधे ले चलते हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा है आज और इस दौरान काफी उत्साह देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद है और साथ ही साथ राज्यपाल भी पूजा अर्चना में शामिल है। तस्वीरें आपके सामने, संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही है? देखी जा रही है और ऐसे में तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। राज्यपाल पूजा अर्चना कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की और उसके बाद अब राज्यपाल। तस्वीरें आपके सामने हैं, हमारे साथ सहयोगी संदीप बने हुए लगातार वहां से ताजा अपडेट्स हमारे साथ सजा कर रहे हैं। राज्यपाल पूजा करते हुए उत्साह देखने को मिल रहा है, काफी भीड़ भी है पूजा स्थल पर। जगन्नाथ मंदिर की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में भक्त मौजूद। आपको बता दें कि रांची जगन्नाथ मंदिर को का जो स्थापना दिवस है 1691 में स्थापना हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विराट यात्रा में शामिल हुए और जगन्नाथ रथ के रथ को भी खींचेंगे। अभी तो फिलहाल पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके बाद राज्यपाल की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, वो भी पूजा कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष यह यात्रा आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होकर आषाढ़ शुक्ल की दसवीं तक चलती है और इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं और इनके साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी होती हैं। इस रथ के पीछे पौराणिक मान्यताएं भी हैं, जिसके अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से उनकी बहन सुभद्रा ने द्वारका देखने का इच्छा को व्यक्त किया था और तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन की इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने सुभद्रा और बलभद्र जी को रथ पर बिठाकर द्वारका की यात्रा करवाई। इस तरह से हर साल भगवान जगन्नाथ के संग बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है। तस्वीरें आप नहीं, ये रथ यात्रा की तस्वीरें आप सामने देख पा रहे हैं। इसी रथ में ये तीनों देवताएं बैठ करके अपने मौसी के घर जाएंगे। अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूजा अर्चना की और उसके बाद राज्यपाल की पूजा आप तस्वीरें आपके सामने तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। इस दौरान काफी भीड़ देखने को मिल रही है, भारी उत्साह भी है भक्तों में और जगन्नाथ मंदिर की ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज जगन्नाथ जगन्नाथ यात्रा है और पूरे देश भर में ऐसी ही तस्वीर है
रथ यात्रा का उत्सव है। रांची के जगन्नाथ मंदिर की तस्वीर है। आपको बता दें कि सुबह 4 बजे से ही भगवान की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। सुबह 4:30 बजे भगवान को भोग लगाया गया, 5 बजे भगवान दर्शन के लिए सब सुलभ हुए। उसके बाद दोपहर 2 बजे मंदिर का पट बंद कर दिया गया और इसके बाद भगवान और सभी विग्रहों को रथ पर सवार किया। इसके बाद रथ की सजावट और विष्णु लक्ष्मण भक्त रथ को खींचते हुए मौसी बाड़ी जाएंगे और जहां सभी विग्रहों को मंदिर में विराजमान किया जाएगा। मंगल आरती और भोग निवेदन के बाद मंदिर का पट बंद कर दिया जाएगा। सुरक्षा को देखते हुए 1000 फोर्स की तैनाती की गई है। तो जगन्नाथपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक रांची की तस्वीर मंदिर का और दूसरी तस्वीर आप पटना के देख पा रहे हैं। दो तस्वीर आपके सामने, रांची के जगन्नाथ मंदिर की तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यपाल मौजूद हैं पूजा अर्चना करते हुए, वही दूसरी तस्वीर आप पटना की देख पा रहे हैं। काफी भीड़ है भक्तों की, यहां पर तांता लगा हुआ है। सुरक्षा को देखते हुए फोर्स को भी तैनात किया गया है। तस्वीर आपके सामने है। रांची से संदीप हमारे साथ बने हुए हैं, वही पटना से सहयोगी अवनीश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद, और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस रथ यात्रा को खींचेंगे और साथ ही साथ बहुत सारी मान्यताएं हैं जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर के। ऐसा कहा जाता है कि सुभद्रा ने इच्छा जाहिर की थी भगवान श्री कृष्ण ने कि उनको द्वारका देखना है, और द्वारका देखने के लिए दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा को और बलभद्र को दोनों को रथ में बिठाया और उसके बाद वो द्वारका के लिए निकल पड़े। तो मान्यताएं तो बहुत सारी है, कहानी भी बहुत सारी है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। और इसके बाद ये जगन्नाथपुर में जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा हर साल निकाली जाती है इनके याद में। तो तीनों भाइयों का ये प्रतीक है, भाई बहनों का प्रतीक है ये पूजा, और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं। सहयोगी अवनीश इस वक्त हमारे साथ पटना से बने हुए रथ यात्रा जी। सहयोगी अवनीश इस वक्त पटना से हमारे साथ बने हुए हैं, रांची से सहयोगी संदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही है इस वक्त? आपको दिखा रहे हैं भगवान जगन्नाथ की जो शोभा यात्रा निकली है, रथ यात्रा निकली है। इस रथ यात्रा लोगों में कितना उत्साह है, देखिए जो तस्वीरें हैं, काफी संख्या में जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पहुँचे हैं भगवान जगन्नाथ जी के रथ को खींचने के लिए। देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पटना के हाई कोर्ट के पास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये हाई कोर्ट से सीधे जो है इनकम टैक्स तक जो है तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो पकड़ कर हैं, रथ को खींच रहे हैं। तो आज का दिन काफ़ी खास है, आज के दिन लोगों में काफ़ी उत्साह है। जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो सुबह से ही इस रथ यात्रा का इंतजार कर रहे थे, और ये रथ यात्रा जो है इस्कॉन मंदिर से निकली है और पटना हाईकोर्ट चौराहे तक पहुंची है, और फिर जो है रथ यात्रा जो है राजधानी के विभिन्न चौक चौराहे तक जाएगी। इस शोभा यात्रा में काफ़ी संख्या में जो महिला हैं वो काफ़ी संख्या में मौजूद है। देखिए जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सभी जो महिलाएँ हैं वो रथ को खींचने का काम कर रही हैं। भगवान जगन्नाथ जी की आज रथ यात्रा निकली है और इस रथ यात्रा को शोभा यात्रा को लेकर लोगों में काफ़ी दिनों से उत्साह का माहौल था। लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे और लोगों का उत्साह जो है वो दिख रहा है। प्रचंड गर्मी है, इसके बावजूद भी लोगों का उत्साह दिख रहा है। लोग जो हैं रथ खींच रहे हैं, जो है हरे कृष्णा हरे राम के जो है वो नारे लगा रहे हैं, एक तरह से डांस कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, डांस। ये माहौल जो है वो पूरा भक्तिमय माहौल हो चुका है। लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी इसमें आए थे इस शोभा यात्रा में। प्रत्येक वर्ष जो है यह रथ यात्रा निकाली जाती है और लोगों में इसको लेकर काफ़ी उत्साह रहता है। तो आज का दिन भी काफ़ी खास है।
शोभा यात्रा निकली है। महिला साझा कर रहे हैं पटना से अवनीश, और संदीप है हमारे साथ रांची से। बने रहिए संदीप और अवनीश, हम से लगातार अपडेट लेते रहेंगे।